हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे, जिसमें आपको बताएंगे बीपीएससी में जल्द ही 1500 पदों पर होगी बहाली। कृषि कानून के विरोध को लेकर पूरे बिहार में 6 फरवरी को चक्का जाम। 102 करोड़ से साफ होगी पटना की हवा। साथ ही बताएंगे नहीं रही अदालत की झंझट, बिहार के इस मंदिर में विवाह करने पर मिलेगा प्रमाण पत्र। साथ ही आपको बताएंगे रूपेश हत्याकांड का पर्दाफाश। राज्य में 5 और 6 फरवरी को हल्की बारिश होने के आसार। सिपाही भर्ती में अब इंटर की जगह मैट्रिक स्तर के सवाल पूछे जाएंगे। अभिनेता सोनू सूद ने बिहारी के एक खिलाड़ी को किया मदद। साथ ही आपको बताएंगे राज्य के तकनीकी संस्थानों में होगी 2451 पदों पर बहाली। फिर बड़ी खबर बताएंगे अब संविदा कर्मियों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। चिराग पासवान की लोजपा बोली कायर है नीतीश सरकार। साथ ही आपको बताएंगे इंटर परीक्षा के तीसरे दिन 130 परीक्षार्थी कदाचार करते पकड़े गए। नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ कर्मचारियों का आक्रोश भड़का। साथ ही आपको बताएंगे रुपेश हत्याकांड में परिवार को नहीं हो रहा पुलिस के खुलासे पर यकीन। और फिर आपको बताएंगे बिहार के 30,000 शिक्षकों के लिए आज फैसले का दिन। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे, और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बीपीएससी को अब तक मिली 1500 रिक्तियां, तीसरी संयुक्त स्नातक स्तरीय नियुक्ति परीक्षा का विज्ञापन जल्द। जी हां, तीसरे संयुक्त स्नातक स्तरीय नियुक्ति परीक्षा का विज्ञापन जल्द ही निकलेगा। इसके लिए कुछ विभागों से लगभग 1500 रिक्तियां आ चुकी है, जबकि कई विभागों से रिक्तियां आने की प्रक्रिया अभी जारी है। इसी महीने के अंदर अंत तक सभी रिक्तियां के आ जाने की संभावना है। इसके बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालेगा। रुपये हत्याकांड का पर्दाफाश, न ठेकेदारी न कोई रुपयों का लेन देन, जानिए मर्डर की पूरी कहानी। जी हां, पटना एयरपोर्ट के इंडिगो एयरलाइंस मैनेजर रुपेश कुमार सिंह हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस के मुताबिक रुपेश की हत्या रोडरेज को लेकर हुई थी। बुधवार को पटना SSP उपेंद्र कुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस हत्याकांड की पूरी जानकारी मीडिया को दी। पुलिस ने रुपेश हत्याकांड के मुख्य आरोपी ऋतुराज को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं उसके 3 साथी अभी भी फरार। SSP के मुताबिक ऋतुराज ने बताया कि नवंबर में छठ के आसपास सरदार पटेल चौक के पास रुपेश की कार की टक्कर उसके बाइक से हुई थी। घटना में वह मरते मरते बचा था। उस वक्त दोनों में बहस हुई थी और रुपेश ने उसकी पिटाई कर दी थी। तभी से वह रुपेश के पीछे लगा था और कार का नंबर याद कर लिया था। एक दिन राजवंशी नगर में उस कार को देखा तो पीछा करना शुरू कर दिया था। फिर 12 जनवरी को उसने अपने 3 साथियों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया था। दूसरी तरफ बिहार के हाई प्रोफाइल रुपेश हत्याकांड के खुलासे पर उनका परिवार यकीन नहीं कर पा रहा। परिवार यह सुनकर हतप्रभ है कि रुपेश को रोडवेज की एक मामूली घटना के चलते इतनी बेरहमी से कत्ल कर डाला गया। रुपेश की पत्नी नीतू सिंह और भाई नंदेश्वर सिंह ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि इतने बड़े सामाजिक आदमी की हत्या के पीछे इतनी छोटी वजह होगी, यह बात पचने वाली नहीं है। हालांकि पत्नी नीतू ने इस बात की पुष्टि की है कि नवंबर में रुपेश की गाड़ी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी पर हल्का सा डेंट लगा था, लेकिन रुपेश गाड़ी से उतरे तो वो भाग चुका था। उनकी किसी से हाथापाई या बहस नहीं हुई थी। इधर तेजस्वी ने रुपेश हत्याकांड के खुलासे पर उठाए सवाल, कहा पुलिस ने बकरा खोज ही लिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इंडिगो के एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश हत्याकांड के पटना पुलिस द्वारा किए गए खुलासे पर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने बुधवार की शाम ट्वीट करके कहा कि रुपेश हत्याकांड में हमने 15 दिन पहले ही कह दिया था कि सरकार अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आखिर बिहार पुलिस ने बकरा खोज ही लिया है। उन्होंने कहा कि यकीन मानिए ऐसी कहानी सी ग्रेड की घिसी पिटी फिल्मों में भी नहीं मिलेगी। तेजस्वी ने कहा कि आपको पुलिस की कहानी जरूर सुननी चाहिए। बड़ी खबर, कृषि कानून के विरोध को लेकर बिहार में 6 को चक्का जाम, 23 को किसान दिवस मनाने का निर्णय। जी हां, बिहार राज्य किसान सभा के महासचिव अशोक प्रसाद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर देशव्यापी रास्ता रोको आंदोलन के तहत बिहार के सभी नेशनल एवं स्टेट हाईवे सहित सभी सड़कें को 6 फरवरी को 12 बजे से 3 बजे दिन तक जाम करने का निर्णय लिया गया है।
गांव-गांव से किसानों को सड़क पर उतरने को आह्वान करते हुए कहा कि ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के सभी घटक संगठन जी जान से इसकी तैयारी में लग गए हैं। भाकपा माले की राज्य स्थायी समिति की बैठक भी राज्यपाल कार्यालय में हुई। बैठक में माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार में किसान आंदोलन को नई ऊंचाई और विस्तार देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही किसान आंदोलन के नेता सहजानंद सरस्वती के जन्म दिवस पर 23 फरवरी को भाकपा माले ने किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। 5 और 6 फरवरी को हल्की बारिश होने के आसार, घना कोहरा भी छाया रहेगा। पटना सहित बिहार के 30 जिलों को अब कोल्ड डे से निजात मिल गई है। अब दिन के साथ ही रात के तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन मौसम सर्द बना रहेगा। मौसम विभाग में अब बारिश, ओलावृष्टि और आंधी तूफान को लेकर ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है। 5 और 6 फरवरी को पटना, गया, नवादा सहित बिहार के सभी हिस्सों में हल्की बारिश के आसार है और साथ ही साथ घना कोहरा छाया रहेगा। राज्य के तकनीकी संस्थान में होगा 2451 पदों पर बहाली। जी हां, सरकार ने प्रदेश के सभी तकनीकी संस्थान में खाली पदों को जल्द भरने का फैसला किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी के निर्देश के बाद सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थान में 2451 खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करने की तैयारी हो रही है। विभाग ने नियुक्ति संबंधी रोस्टर को अंतिम रूप से तैयार कर लिया गया है। इंटर परीक्षा के तीसरे दिन 130 परीक्षार्थी कदाचार करते पकड़े गए। जमुई में सबसे ज्यादा छात्र हुए निष्कासित। जी हां, बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा जारी है। कई जिलों से कदाचार की सूचना भी मिल रही है। इंटर परीक्षा के तीसरे दिन यानी बुधवार को कुल 22 जिलों से 130 परीक्षार्थी को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया, जिसमें सबसे अधिक जमुई में निष्कासित हुई है, जिनकी संख्या 40 है। वहीं दूसरे परीक्षार्थियों की जगह परीक्षा देते हुए भी कई छात्रों को पकड़ा गया। भागलपुर में 23, नालंदा में 3, सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया में 1-1 छात्रों को निष्कासित किया गया है। बड़ी खबर, नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ कर्मचारियों का आक्रोश भड़का, राज्य भर में फूकी गई सरकारी आदेश की कॉपी। जी हां, नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ आक्रोश गहराता जा रहा है। बिहार में कल सरकारी कर्मचारी सड़क पर उतरे। राज्य के हर जिले में नीतीश सरकार के आदेश की कॉपी फूकी गई। कर्मचारी राज्य सरकार के उस आदेश का विरोध कर रहे हैं, जिसमें कर्मचारियों को 50 साल की उम्र पूरी होने पर कार्य दक्षता की समीक्षा कर जबरन सेवानिवृत्ति करने का फैसला लिया गया है। बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ कल से आंदोलन पर उतर गए हैं। महासंघ ने पहले ही सरकार के आदेश के विरोध का ऐलान किया था। कर्मचारियों ने पटना के नया सचिवालय सहित पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालय पर सरकारी आदेश के प्रतीक को जलाया है। चिराग पासवान की लोजपा बोली, कायर है नीतीश सरकार, हिटलर मुसोलिनी की राह पर चल पड़ी है। जी हां, बिहार में धरना प्रदर्शन और सड़क जाम करने वालों को सरकारी नौकरी और ठेका पट्टा नहीं देने संबंधी सरकार के फैसले को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी ने नीतीश कुमार पर कड़ा हमला बोला है। लोक जनशक्ति पार्टी ने कहा है कि नीतीश सरकार कायर है, लोगों को आक्रोश को दबाने के लिए सरकार हिटलर और मुसोलिनी की राह पर चल पड़ी है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बिहार सरकार ने महात्मा गांधी और जेपी के विचारों का गला घोटकर हिटलर और बेनिटो मुसलमाने को विचारों से प्रेरित होकर बेहद कायरनामा फरमान जारी किया है। अगली बड़ी खबर, 102 करोड़ से साफ होगी पटना की हवा, हटेगा शहर से कचरा, जानिए क्या है गाइडलाइन। जी हां, पटना नगर निगम 15वें वित्त आयोग से मिले 102 करोड़ रुपये की राशि से वायु प्रदूषण के नियंत्रण व कचरा प्रबंधन को दुरुस्त बनाने के लिए काम करेगा। राशि खर्च करने के मामले में नगर विकास व आवास विभाग ने गाइडलाइन भी जारी की है। जानकारी के अनुसार 10 लाख से ऊपर की आबादी पटना में होने के कारण 15वें वित्त आयोग से 408 करोड़ की राशि मिलनी है। इसमें आयोग ने 102 करोड़ राशि जारी की है। राशि खर्च करने को लेकर नगर निगम व आवास विभाग ने वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के उपायों के लिए 50% राशि खर्च करने का निर्देश दिया है। इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी सहयोग लेना है।
अगली बड़ी खबर नहीं रही अदालत की झंझट। बिहार के इस मंदिर में विवाह करने पर मिलेगा प्रमाण पत्र। जी हां, राज्य के ऐतिहासिक थावे मंदिर में अब शादी विवाह करने पर आधिकारिक रूप से मान्यता मिलेगी। जिला प्रशासन की ओर से थावे मंदिर के विकास और भक्तों की सुविधाओं के लिए कई नई पहल की शुरू की जा रही है। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने मंदिर समिति और गोपालगंज के व्यवसायियों के साथ बैठक की, जिसमें मंदिर के विकास और पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। इसके लिए डीएम ने व्यवसायियों से स्वेच्छा के अनुसार मदद करने के लिए आगे आने की अपील भी की है। सिपाही भर्ती में अब इंटर की जगह मैट्रिक स्थल के सवाल पूछे जाएंगे। जी हां, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए होने वाले चयन परीक्षा का नया पाठ्यक्रम जारी किया गया है। इसके तहत इंटर की जगह मैट्रिक स्तर के सवाल पूछे जाएंगे। पाठ्यक्रम में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, विज्ञान से संबंधित 100 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल के लिए अब एक अंक होगा। इसके लिए कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। वही इंटर पास करने वाली अविवाहित छात्राओं को 25,000 और स्नातक पास करने वाली विवाहित या अविवाहित छात्रों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को जिले के खिलाड़ी ने ट्वीट करके मांगी मदद, हुआ मुफ्त में ऑपरेशन। जी हां, हर वक्त गरीबों की मदद कर आशीर्वाद लेने वाले बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के प्रयास से नालंदा जिला के एक खिलाड़ी अपने मुकाम को हासिल कर सकेगा। सोनू सूद की मदद से नालंदा के इस खिलाड़ी का मुफ्त ऑपरेशन किया गया। अब ऑपरेशन के बाद बिहार के इस खिलाड़ी ने सोनू सूद को धन्यवाद किया है। नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड के पपनसवा गांव निवासी वरुण विक्रम सोनभद्र के पुत्र आनंद कुमार ने पिछले 20 जनवरी को बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को ट्वीट करके लिखा था कि मेरे घुटने का लिम्पेट प्रैक्टिस के दौरान डैमेज हो गया था। सर, मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि मैं सर्जरी करा सकूं। सर, मैं खेलना चाहता हूं और यह मेरा और मेरे पापा का सपना भी है। ओलंपिक में इंडिया का झंडा लहराता देखना चाहता हूं। जिसके जवाब में 27 जनवरी को बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने ट्वीट के जवाब में देते हुए कहा कि आप हिंदुस्तान का झंडा ओलंपिक्स में जरूर लहराओगे। आपकी सर्जरी 30 जनवरी को इंद्रपुरम के हीलिंग ट्री हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिलेश यादव करेंगे। और अंत की बड़ी खबर, बिहार के 30,000 शिक्षकों के लिए आज फैसले का दिन। रिक्त पदों पर नियोजन को लेकर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। जी हां, बिहार के सरकारी हाई स्कूल व प्लस टू में छठे चरण के तहत चल रहे 30,020 शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियोजन को लेकर आज फैसला हो सकता है। आज पटना हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि जुलाई 2019 में माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। नियुक्ति की कार्रवाई अंतिम चरण में थी। इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में एक PIL दायर हुआ है और नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई थी। हालांकि न्यायालय ने शिक्षा विभाग को नियुक्ति के पहले उससे आदेश लेने का निर्देश दिया था। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग का माध्यमिक शिक्षा निदेशालय गुरुवार को कोर्ट से नियुक्ति की इजाजत देने का आग्रह करेगा। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।